नमस्कार दोस्तों का ऐसे प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज है 12th अक्टूबर 2023 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़वा कल रात को एफएमसी मिनिट्स था जहां पे ये देखा गया कि फेड इज क्वाड बिटवीन रेट हाइक मींस इन्फ्लेशन वर्सेस द ग्रोथ तो आज आपका यूएस सीपीआई डेटा है वो डेटा आपको फिर दोबारा डॉलर इंडेक्स को किस तरफ लेके जाएगा उसके लिए थोड़ा सा चार्ट में आते हैं डॉलर इंडेक्स जो अभी है 105.68 यूएस सीपीआई डेटा उसके बाद ही डॉलर इंडेक्स फिर दोबारा क्या ऊपर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर चले जाते हैं या नीचे की तरफ साउथवर्ड कंटिन्यू करते हैं वो डिपेंड करेगा अभी भी जो ये ट्रेंड लाइन के नीचे का ब्रेक डाउन ऑल दो ब्रेक डाउन अक्टूबर दिया है लेकिन उसके बाद नीचे फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग नहीं है ये फॉलो थ्रू होगा अगर यूएस पी आई डेटा इज पॉजिटिव फॉर द इकोनोमी आते हैं डॉलर इन डॉलर कुछ नया कुछ है नहीं टू कंसोलिडेट कॉन्सुलिडेशन के बाद

उस ट्रिगर के बाद आइर ऑन द हायर साइड गैप अप होगा या नीचे की तरफ गैप डाउन होगा उसके लिए हमें इंतजार है अभी आते हैं जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर में स्ट्रेंथ बरकरार है 1.2315 ये नेक डब्ल्यू का नेकलाइन के ऊपर है सो एज पर द टारगेट्स आपका 1.25 आना चाहिए एज पर द डब्ल्यू टारगेट्स बट डेट विलीडियटलीट जीरो नेकलैंड के ऊपर है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव वन लेकिन यूएससीपी आई डेटा के ऊपर हमारा नजर है

क्या ऊपर के तरफ 150 के ऊपर बीओजे के दोबारा चैलेंज करेगा या नीचे के तरफ आएगा इसके लिए हमें इंतजार करना है ये ना बेस आउट कर रहा है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का है नहीं डॉलर कैंडी वन पॉइंट थ्री फाइव नाइन जीरो पे थोड़ा सा कॉन्सोलीट कर रहा है

डॉलर सीएनएच कंसोलिडेशन बढ़ कर आ रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है आइदर चाइनीज इकोनॉमी को इट स्टार्ट्स इट हैज स्टार्ट मींस गिविंग इट द पॉजिटिव डेटा और बीबीएफसी हैज टू टेक ए साइडलाइन अदरवाइज कंसोलिडेशन चलता रहेगा ब्रेंड क्रूड आपका कल अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा गया आफ्टर क्रूड इन्वेंटरी डेटा वेडनेसडे 8 पीएम का तो यहाँ पे अच्छा खासा है फ्रॉम द 8850 के आसपास से सो so, अभी यहाँ पे दो चीज है क्या आर एस आई फोर्टी के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या दोबारा लो को टेस्ट करता है ये हमें देखना पड़ेगा यूएसरी फोर पॉइंट फाइव सेवन फाइव ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है लेकिन फॉलो थ्रो चाहिए ये फॉलो थ्रो देगा या नहीं देगा ये डिपेंड कर रहा है आज का यूएसपी डेटा टू ये ट्रेजरी ये भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया था और नाइन्थ अक्टूबर उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं है अभी क्या नाइन्थ अक्टूबर के नीचे कंटिन्यू करता है आफ्टर डेटा या दोबारा ऊपर की तरफ मार्च करना चालू करता है so, currency, analysis, अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे एट